गुड मॉर्निंग। आज का ना नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, है ना। फाइंड द वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर, है ना, दिया हुआ लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ देखिए लेंथ को जो है लिखा हुआ है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ को लिखा हुआ है 68 सेंटीमीटर, हाइट को लिखा हुआ है 1 मीटर। तो सबको पहले क्या करना है, एक जैसा पहले फॉर्मेट में चेंज करना है, उसके बाद बनाने में ही ना मजा आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 48 सेंटीमीटर तो ये है, सेंटीमीटर को रखेंगे 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखेंगे ना, 6 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है ना 10 सेंटीमीटर होता है, तो 6 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चेंज कर लिए हम लोग सब सेंटीमीटर में। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के क्या होता है, एल बी और ये एच होता है सेंटीमीटर का क्यूब। तो कितना हो गया, ये हो गया 48 हो गया, ये 60 हो गया, ये 100 हो गया, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो उसका मल्टीप्लाई करा जाए कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, है ना, 24 × 28, है ना, 24 × 28 हो गया ना, 1, 2, 3, यानी कि इतना क्या हो गया, वॉल्यूम बन गया। और नेक्स्ट में यहाँ पे है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल ना सरफेस एरिया, ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है ना 2l + b × h होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब क्या होता है, 2 तो 2 है, ये है l कितना है 48 है, यहाँ पे b कितना है 60 है, यहाँ h कितना है 100 है, यहाँ पे है ना सेंटीमीटर का हो गया कितना स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और यहाँ पे और जो उनको ऐड करेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 10। क्या करेंगे आप, नेक्स्ट हो जाएगा है ना 16 × 2, यहाँ पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब निकालते हैं यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको रब कर देते हैं। आप निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2lb, bh और hl होता है इसका फॉर्मूला सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर ही इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2l कितना है 48 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 48, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा ना करते हैं, और सेकंड 48 24 × 4 = 28, ये हो गया। प्लस यहाँ क्या करेंगे, 6 × 1 = 2 = 3 = 0, यहाँ 4 × 8 = 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 8 8 हो जाएगा, 8 0 8 16 हो जाएगा, 5 6 11 11 2 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 16 12 होगा, ये रहेगा 3 6, ये रहेगा 7 2, ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना।
ये दूसरा सवाल है, एल का मान दिया हुआ है 15 मीटर, बी का मान दिया हुआ है 6 मीटर, एच का मान दिया हुआ है 9 डेसीमीटर। तो क्या करते हैं, ई भी मीटर में है, ई भी मीटर में है, ये है डेसीमीटर में। तो पहले क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको डेसीमीटर में से चेंज करते हैं मीटर में। तो क्या होता है यहाँ पे ना, 10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर होता है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 1 डेसीमीटर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 9 × 1/10 मीटर, यानी कितना हो गया, 9/10, ये मीटर बन गया। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी बन गया मेरा मीटर में बन गया। अब जो है हम निकाल लेंगे, तो निकालते हैं पहला वॉल्यूम इसका निकालते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, है ना, एल बी इंटू एच है ना, का मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। एल कितना है, 15 है, ये 6 है, ये 9 है, 10 है, ये मीटर क्यूब कितना हो गया, 90 × 9/10 एम क्यूब, इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा, 81 मीटर क्यूब हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब निकालते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, लेटरल और है ना टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। रब कर देते हैं इसको, हाँ अब देखते हैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा एल प्लस बी इंटू हाइट और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 तो 2 ये है, एल कितना है, एल है 15 मीटर है, प्लस बी कितना है, 6 मीटर है, एच कितना है, ये 9/10 मीटर का स्क्वायर हो गया। इसको हल करते हैं तो 2 × कितना, 21 × 9/10 मीटर का स्क्वायर, यहाँ से काटेंगे इसको, 5 से कट जाएगा, 21/9 × मीटर का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 37.8 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब निकालते हैं इसका है ना टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ये कितना होता है, 2 LbBh और HL होता है, ये मीटर का स्क्वायर। 2 × 2 ये है, L कितना हो गया, 15 × 6, B कितना है, 6 × 9/10, H कितना है, 9/10 × 15 मीटर का स्क्वायर। 2 हो गया, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 54/10 90/10 135/10 ये हो गया मीटर का स्क्वायर हो गया। कितना यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे 10 900 × 54 135 मीटर का स्क्वायर, ये इससे काट देंगे। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सुबह ऐड करेंगे तो है ना 549 ये हो गया, 3508 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 1 × 9 = 10 यहाँ पे हो जाएगा 5। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा आंसर हमको, 217.1
217.8 मीटर का स्क्वायर ये मिलेगा हमको आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। नेक्स्ट सवाल है द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 90 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द रियर। यहाँ पर दिया हुआ है कि डायमेंशन दिया हुआ है ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये दिया हुआ हाइट। तो बोल रहा है कि इस टैंक में जो है कितना पानी आएगा, तो यानी कि वॉल्यूम निकालना है इसमें। तो वॉल्यूम में क्या प्ले कर लेते हैं हम लोग, एल कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर है, 2.75 मीटर हो गया। यहाँ पे बी कितना हो गया 1.80 मीटर, एच कितना हो गया 1.40 मीटर। निकाल लेते हैं वॉल्यूम इसका, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे करते हैं 1 मीटर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर, इसका यूज करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच, एल कितना हो गया 2.75 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 1.40, ये हो जाएगा मीटर क्यू हो जाएगा। क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 1.80 1.40, इसका 100 कटेंगे तो इसका 100, इसका भी यहाँ पे 100 हो जाएगा। नहीं यहाँ कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 2, 3 कट गया, यहाँ से एक ये कटा, यहाँ से एक कट गया, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आंसर, (69,30) लीटर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।